जाने जिंदगी में के हेरा जंग छोड़ना पड़ेगा जाने जिंदगी में के जंग छोड़ना पड़ेगा कि मैं पावने तो पहना हूँ कि मैं खो जग झोड़ना पड़ेगा कि मैं पावने से पहला वो कि मैं खोना पड़ेगा जान जिंदगी में के जंग झोंवना पड़ेगा और कि मैं पावने तो पहले कि मैं खोना पड़ेगा चोले को लेकर धारण करके संसार में आ तो गया इस मोहमा में आ तो गया लेकिन अब संभल कर चलना जो मोहमाया का बोझ उठा लिया जो पूरा पार उतारना बड़ा कैडा काम क्या लिख दिया क्या बताया घोर धूप के थोड़े तन चाहिए ना थायाना तू ते आप आके फंस गया ये और ने उलाना इस घोर धूप के थोड़े तन चाहिए ना थायाना तू ते आप आके फंस गया ये और ने उलाना ना बोझ था दोहड़ धूप के थोड़े तने तहिया ना था आना तू तो आप आके फंस गया दे और न उलाना और ना बोझ था बढ़ाना बोझ के तो यो मेरा दादा यो मेरा पोता यो मेरा भाई यो मेरी बेबे और यो मेरी घरवाली इस मोह में फंस गया मैंने इतना कमाया उत लुटाया न्यू करया इस मोह में फंस गया इस चोले को छोड़ कर इसको साफ लेके नहीं जा सकते धोगे यही ढोके पूरा कर कर जब जाना पड़ेगा जैसा परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है वैसा ही लेगा और फालतू चीज नहीं चलेगी क्या बता दे क्या परमादनीय भोलू सरपंच जी मानेसर से हाँ जी भोलू सरपंच जी मानेसर से 500 रुपए से आशीर्वाद देते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं और क्या लिख दिया क्या रोना पड़ेगा कि मैं पावने से पहला वो कि मैं खोना पड़ेगा जान जिंदगी में के थे
सतावे कदे मौज मस्ती केमा रंग रलिया भी उड़ावे कदे हंसे कदे गावे तो कदे रोवना पड़ेगा। और नंबर तीन में बता दिया कि ये संसार का नियम है, यहाँ पे जैसा है वैसा जाना है। ये रस्ते की जो उठाव पटाव है ये समय की सीमा में बंधी हुई है, इनको भोग विलास करके इस नियम को पुगाना है। नंबर तीन में क्या लिख दिया, क्या ये नियम है यहाँ का, तेरी पार ना बसावे दिन रात गात झोले तेरे हाथ कुछ ना आवे। वो ये नियम है यहाँ का, तेरी पार ना बसावे दिन रात गात झोले तेरे हाथ कुछ ना आवे। सका तू चाहवे वैसा भोगना पड़ेगा, किवे पावणे ते पहला ओ किवे खोवना पड़ेगा। चल जिंदगी में के समय का सारे फल फूल का एक बात में निचोड़ कर दिया है दयाचंद जी ने कि ये नियम है यहाँ का, तेरी पार ना बसावे दिन रात गात झोले तेरे हाथ कुछ ना आवे। जिसा तू काटना से चाहवे वैसा भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर पार उतरना है इस दुनिया से, परमपिता परमेश्वर को पाना है, तो एक ही लो बताई तो उस परमेश्वर को खोज ले। कौन से परमेश्वर को? जिसने सूरज चांद तारे गगन में टिका रखे हैं, ये धरती पे प्रकाश फैला हुआ है, जिससे हर सांस चल रही है, उस परमपिता परमेश्वर को खोज ले। वो तेरा काम है मैन खोजने का। वरना ग्रंथ ये बताते हैं, परमेश्वर ये बताता है कि उसका कण कण में वास है, लेकिन मिलेगा उसको जो सच्ची आत्मा से एक लगन से जो सच्ची राह से उसको टोहेगा। क्या लिख दिया, क्या यह जगन्नाथ रख दिल में हर दम विश्वास उसका, ये सूरज चांद तारे है सब पर काश जिसका। कह जगन्नाथ रख दिल में हर दम विश्वास उसका, ये सूरज चांद तारे है सब पर काश जिसका। कण कण में वासी उसका, कण कण में वासी उसका, वो तन टोवना पड़ेगा कि मैं पावणे से पहला कि मैं खो रंग छोड़ना पड़ेगा कि मैं पावणे से पहला कि मैं खोना पड़ेगा कि मैं पा